प्रारंभ के अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए पधारे यहाँ विनम्रता की प्रतिमूर्ति और विकास के वाहक बाल्यकाल से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते काम करते हुए आज मुख्यमंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे गुजरात के मुख्यमंत्री समर रूपाणी जी, हम सब कहते हैं कि हम भारतीय संस्कृति के वाहक के नाते पार्टी के काम को पहुंचाते हैं। तो सम्मानी जयशंकर जी, लंबे समय तक भारतीय विदेश सेवा के में काम करते हुए इस भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार और भारतीय दर्शन को आपने सारे दुनिया में पहुंचाने का काम किया और विदेश सचिव के नाते काम किया, और आपके अनुभव के आधार पर माननीय मोदी जी ने आपको विदेश मंत्री का दायित्व दिया। ऐसे सम्मानीय सुब्रमण्यम जयशंकर जी, मंच पर विराजमान गुजरात के गृह मंत्री सम्मानी प्रदीप जडेजा जी, इस सदस्य अभियान के संयोजक भार्गव भाई जी, यहाँ की महापौर बहन विजल जी, कर्णावती के अध्यक्ष और जगदीश भाई जी, विधायक जगदीश भाई जी, इस सभागार में उपस्थित मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करूंगा जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने का मन बनाकर के इस कार्यक्रम में आए, और उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और जिले भर से आए हुए कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों का भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं संयोग ऐसा है कि मैं उस धरती के ऊपर खड़ा हूँ जिस धरती में, मैं अगर ये कहूँ कि इस देश में कांग्रेस विरोध की राजनीति कहीं शुरू हुई 70 के दशक में तो गुजरात से। हम जानते हैं कि आपातकाल और आपातकाल से पहले का जो आंदोलन देश में प्रारंभ हुआ वो बिहार से शुरू हुआ और आते आते गुजरात में आया, और बाद में इस देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ जिसने 77 में इस देश में सत्ता परिवर्तन और कांग्रेस के विरोध का सत्ता सरकार बनाने का कोई अवसर दिया, तो उसका आधार कोई था तो गुजरात का हुआ, उस समय का नव निर्माण का आंदोलन था जिसने इस चीज को खड़ा किया। मैं अभिनंदन इस बात का सौभाग्य इस बात का मानता हूँ कि हम आज उस व्यक्ति की जन्म जयंती के दिन इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। अगर आज देश में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने इस देश के ऊपर एकता और एकात्मता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, लेकिन आजादी के बाद अगर इस देश में किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता ने देश की एकता और एकात्मता को लेकर के अपना सर्वस्व और शरीर का दान करने का बलिदान करने का काम किया, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। हम उनकी जन्म जयंती के दिन इस कार्यक्रम को मना रहे, मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने जो चीज उन्होंने शुरू की थी उस काम को पूर्ण करने की दिशा में, जिसमें अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार लगी हुई है कि उस सपने को हम पूरा करें, उस दिशा में हम सार्थक प्रयास में लगे हुए हैं। दोस्तों, हम सदस्य अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, अपने को ध्यान होगा कि इस देश की राजनीति के ऊपर ध्यान दें, तो आज जब हम पार्टी के मैं बहुत कई राज्यों में सरकार में है, देश में भी सरकार में, लेकिन बहुत बड़ी श्रद्धा ऐसे कार्यकर्ताओं की जिन्होंने सपना देखा था कभी देश में कमल का निशान लेकर के कोई देश में भारत के लाल किले के प्राचीर से इस भारत के तिरंगे को फहराएगा, उस सपने को लेकर के काम किया था, अपने जीवन की आहुति दे दी, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें कष्ट कितना हुआ, किस तरह की चीजें, उन लोगों को उस पथ पर चलकर के उनके मार्गदर्शन में चलकर हम यहाँ तक पहुंचे। मैं बहुत सारे नाम है, इन नामों को लूंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा। गुजरात की धरती से ऐसे बहुत सारे लोग निकले, संगठन में काम करते हुए जिन्होंने इसको किया है। हम जानते हैं देश की राजनीति में जब भी पराजय हुई है तो दलों का विघटन हुआ, और कांग्रेस उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस के शुरू में 69 में पहला विघटन हुआ जब श्रीमती गांधी ने नेहरू जी के बाद किया, उस समय पहला विघटन, और उसके बाद जब जब कांग्रेस में कोई प्रॉब्लम हुआ है, कुछ तरह कमी आई है, तो हमने कांग्रेस के गठन देने, कभी ओल्ड कांग्रेस के नाम से, कभी कांग्रेस हर्ष के नाम से, कभी कांग्रेस सीताराम के नाम से, अलग अलग नामों से कांग्रेस का बनना हुआ है। और केवल कांग्रेस नहीं, इस कम्युनिस्ट पार्टी जो देश में कभी इस बात को लेकर चलती थी कि हम संपूर्ण विश्व में हमारा राज होगा, इस भारत में हमारा राज होगा, हमने देखा है कि उस कम्युनिस्ट पार्टी के भी टुकड़े होते हुए इसी धरती पर देखे, और आज जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने जो अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रही है, वो कम्युनिस्ट पार्टी इस देश में कभी बंगाल तक 27 साल तक राज किया, केरल में जिनका शासन था, इस लोकसभा चुनाव में अपनी पहचान के संकट से जूझती हुई कम्युनिस्ट पार्टी ने। हमें ध्यान है कि लोगों ने जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अलग अलग समय पर कई गठबंधन और महागठबंधन बनाए, और लोकसभा का चुनाव, हाल का लोकसभा का चुनाव उदाहरण है अपने सामने। उस लोकसभा के चुनाव में महागठबंधन बनाकर आए थे, उद्देश्य केवल कोई एक उद्देश्य ऐसा नहीं था कि हम
सत्ता में आकर के देश को क्या देंगे। उद्देश्य केवल एक था कि नरेंद्र मोदी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, ये जो अश्वमेध यज्ञ की तरह चल रहा है उसको कैसे रोका जाए। इस नकारात्मक राजनीति के आधार पर जो गठबंधन का सूत्रपात किया था, वो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद किस तरह ताश के पत्ते की तरह बिखरा है हमने देखा है। हमने उस गठबंधन को भी देखा जो उत्तर प्रदेश में जिन्होंने सपना लेके चले थे, जाति की राजनीति में जिनका जन्म हुआ, और जन्म होते होते कहीं वो निकल करके आए, वो सोचा कि हम शायद उत्तर प्रदेश में अब एक भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ करके बड़े दल के रूप में आएंगे। चुनाव के परिणाम ने उनके उन सब मंसूबों को तोड़ा, क्योंकि इस जनता ने तय किया है कि हम राष्ट्र को वोट करेंगे, विचार को वोट करेंगे, हम जातियों को वोट नहीं करेंगे। हमने उसके विकास को देखा और उस चुनाव के परिणाम के बाद जो भुआ और भतीजे एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे, वो भुआ भतीजे किस प्रकार से चुनाव के परिणाम के बाद एक दूसरे के दरवाजे से दूर होकर के निकले हैं, ये हमारे सामने बना। ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग समय में, हम 52 से लेकर के अब तक की राजनीति, 52 में दो सांसद और राजनीति चलते चलते बढ़ते गए, 84 में आते आते फिर हम दो सांसद पारा करके रुक गए। उसकी पृष्ठभूमि क्या रही उसमें नहीं जाऊंगा, अपन सब जानते हैं, लेकिन बाकी दल बिखरे होंगे। ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी हर झटके के बाद और मजबूत होकर के निकले। हम एक विचार को लेकर चलते हैं, हम एक संगठन को लेकर के चलते हैं, संगठन में अनुशासन का पाठ और उसमें राष्ट्र प्रथम, इस भाव को लेकर जो पार्टी का कार्यकर्ता चलता है, उसने कहा कि मैं सत्ता नहीं, सत्ता को साधन मान करके उस साधन के माध्यम से जो कभी सपना दीनदयाल उपाध्याय ने देखा था अंत्योदय का, कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति को जो हम बराबर पर लेकर आएंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा शासन करना सार्थक हुआ है। उस चीज को लेकर के चले थे, इसलिए हम देखा कि 84 में भी हमारा कार्यकर्ता निराश नहीं हुआ, उसने और दृढ़ निश्चय किया और 89 आते आते हम 79 सीट करके लेके आए। ये दुनिया के पटल के ऊपर पहला उदाहरण देखने को मिला। दोस्तों अपने को ध्यान आता है कि भारतीय जनता पार्टी लोग मजाक बनाया करते थे, दीनदयाल का दर्शन और अंत्योदय की बात करते थे। आज नरेंद्र मोदी जी, मैं अभिनंदन करूंगा इस गुजरात की धरती को, एक साधारण कार्यकर्ता यहाँ से निकला और संघर्ष करते करते प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा। मुझे ध्यान है उस समय कभी कभी कमलनाथ जी कहा करते थे कि हम एक चाय बनाने वाले को कांग्रेस कार्यालय में कोना दे सकते हैं चाय की दुकान खोलने के लिए, प्रधानमंत्री का पद नहीं दे सकते। लेकिन उस कांग्रेस के नेता को पता नहीं इस चीज का निर्णय देश की जनता करती है, आप नहीं करते हो। और उस देश की जनता ने हमारे उस साधारण कार्यकर्ता को जब देश का नेतृत्व दिया, तो जिस अंत्योदय का विचार दीनदयाल जी ने दिया था, उस अंत्योदय के विचार को चरितार्थ करके दिखाया और सारी दुनिया आज उस अंत्योदय को पहचानने के चल रही है, उसको स्वीकार कर रही है, उसका अभिनंदन करने के लिए। दोस्तों हम उसी पार्टी के कार्यकर्ता, हमने कहा कि हम संगठन विचार लेकर चलते हैं। इस समय चुनाव 29 तारीख को सरकार बनी और सरकार बनने के बाद कोई जश्न का समय होगा, कोई उल्लास का समय होगा, कोई त्योहार मनाएगा, अभिनंदन के कार्यक्रम करेगा। 13-14 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और देश भर के प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्रियों की बैठक बुलाते हैं और उस बैठक में निर्णय क्या होता है, चाहे चुनाव की समीक्षा अभी भी हम पूर्णता नहीं, देश में बहुत बड़ा भूभाग है जिस भूभाग में हम पहुंचे नहीं है, हमारा लक्ष्य उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है। वही उन्होंने तय किया कि संगठन के हम सदस्यता के कार्यक्रम को शुरू करेंगे। 2 दिन बाद 17 तारीख को देश भर के सदस्यता प्रमुख और सह प्रमुखों की बैठक करके उसको मूर्त रूप देने का। अपन इस महत्ता को समझ सकते हैं कि मुझे किसी ने कहा, एक बार एक महीने कार्यक्रम में गया तो एक बहन ने पूछा कि भाई साहब अभी तो अपना चुनाव पूरा हुआ, आप किस बात की बैठक। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव को एक कार्यक्रम मानता है, वो चुनाव का पर्व था, अब संगठन का पर्व है। हम चुनाव तक रुकते नहीं है, विजय और पराजय हमारे पैरों को नहीं रोकते, जिस उद्देश्य को लेकर के राजनीति में आए उसको लेकर के सतत चलने वाले हम कार्यकर्ता हैं। इसलिए उस संगठन पर्व का शुरू किया, 6 तारीख को इसकी शुरुआत की है। सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा, हम जानते हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है, हम बहुत लंबी उछाल हमने लिए, लेकिन इसके बाद भी हमें ध्यान आएगा बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जिस क्षेत्र में अभी हम नहीं पहुंचे हैं या कमजोर हैं। उन बूथों के ऊपर हम बूथ को इकाई मानकर के उसको लक्ष्य मानकर के चले और उस बूथ का जाति समाज संप्रदाय और कोई वर्ग विशेष का व्यक्ति नहीं छूटे जहां तक हम नहीं पहुंचे, उसको लक्ष्य बनाकर के तय करके हमें पहुंचने का चाहिए। और इसी तरह भौगोलिक दृष्टि से हमारे जो भी हमारा ब्लॉक कई मंडल है, कई बूथ है, कई शक्ति केंद्र है, जिला है, उन सब में भी कौन सा ऐसा भूभाग है जिस भूभाग के ऊपर अभी तक हम नहीं पहुंचे, उस भूभाग को लक्ष्य लेकर के वहां तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का काम करना है। अमित शाह जी ने कहा था कि बंगाल में नहीं पहुंचे,
हम कहीं ना कहीं दक्षिण प्रांतों में नहीं है, हम केरल में नहीं है, पूर्णता तब होगी हम इन सब प्रांतों में पहुंचेंगे। तो हमारा लक्ष्य वहां आखिरी बार ये था, हमारा लक्ष्य कहीं जिला होगा, मंडल होगा, बूथ होगा, और जिस बूथ के ऊपर हम काम करते हैं उसी को हम संपूर्ण भारत का दर्शन मानते हुए वहां के प्रत्येक व्यक्ति तक वर्ग तक पहुंचे इसको सुनिश्चित करना। ये सारी संस्था डिजिटल है, हम इस कॉल के माध्यम से करेंगे, पहले भी हमने उसके माध्यम से की थी, लेकिन उसके साथ साथ इसमें हमने कुछ टेक्निकल चीजें डाली, इसके कारण से पूरी उस व्यक्ति की जो सदस्य बनना चाहता है उसकी पूरी जानकारी हमें उपलब्ध होता है। इसकी पूरी जानकारी आपको जिले की बैठकों में दी गई होगी, सारी उपलब्ध हुई होगी। हमें एक एक व्यक्ति तक पहुंच करके हम उनका फॉर्म भरवाएं, उनका मिस कॉल कराएं, और मिस कॉल और फॉर्म के माध्यम से लेते हुए इस पार्टी के परिवार में जुड़ें, और कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास, ये जो भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए अपने परिवार को और बढ़ाने का काम करें। मुझे लगता है जितनी बात कहते हो बात प्रोग्राम देता हूँ, और हम सब कार्यकर्ता एकजुटता के साथ अब से लेकर के 11 अगस्त और 12 से लेकर 30 तक जब सक्रिय सदस्यता का अभियान चलेगा, तब तक अपने आप को विस्तारक मानते हुए इस अभियान को हम पूर्णता देंगे और एक सफलता के साथ पूरा करेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय।